आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहां पे बाइनोमियल थ्योरम का प्रॉब्लम दिया है, हम उसको सॉल्व करेंगे। दिया है कि इवैल्यूएट 1 प्लस √7 होल टू द पावर 5 प्लस 1 माइनस √7 होल टू द पावर 5। तो हम फ्रॉम पहले जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि अगर दिया है कि a प्लस b होल टू द पावर n प्लस a माइनस b होल टू द पावर n, तो उसका फॉर्म क्या होगा। यहां पर देख सकते हैं प्लस माइनस, इसमें हर टर्म प्लस फॉर्म में आएगा, इसमें हर टर्म माइनस फॉर्म में आएगा। तो जो सेकेंड फोर्थ ऐसा टर्म आएगा वो डिलीट हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है, 2 × a टू द पावर n प्लस NC2 a टू द पावर n माइनस 2 B2 NC4 a टू द पावर n माइनस 4 B4, ऐसा चलता रहता है प्लस लास्ट टर्म क्या आएगा NCN। ये डिपेंड करेगा n का वैल्यू क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करके ये लास्ट टर्म आएगा। तो हम इसको नहीं लिख रहे अभी तक, क्योंकि ऑड होगा तो हमारे पास टोटल जो टर्म आएगा वो इवन हो जाएगा। अगर n का वैल्यू इवन रहा तो टोटल जो टर्म आएगा वो हमारा ऑड हो जाएगा। तो इसके ऊपर डिपेंड करके हमें लास्ट टर्म मिलेगा, पर कंटिन्यूएशन ऐसा होता रहेगा कि एक एक टर्म रैप देके हमें मिलेगा। अब हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 1 + √7 होल टू द पावर 5 प्लस 1 − √7 होल टू द पावर माइनस 5। इसका सॉल्यूशन लेने के लिए 2 × फॉर्म में आएगा, उसके साथ क्या मल्टीप्लाइड फॉर्म में आएगा, 1 × 5 पहले आएगा, इसमें था NC0 a टू द पावर 5 b टू द पावर, b का मतलब है √7 टू द पावर 0। अब सेकेंड टर्म में क्या आएगा, NC2 मतलब 5C2 होगा, इनका वैल्यू हम यहाँ पर 5 प्लेस कर रहे, तो हमारे पास आएगा 5 5C2 1 टू द पावर, क्योंकि 5 था, 2 क्रॉस करके आएगा, इसके बाद 1 टू द पावर 4 आना था वो तो हट गया क्योंकि प्लस फॉर्म में है, तो 1 टू द पावर 3 और माइनस यहाँ पर √7 b के फॉर्म में है तो √7 टू द पावर स्क्वायर। फिर आएगा 5C4 क्योंकि 2 है तो एक क्रॉस करेगा वो ऑमिट हो जाएगा, 4 आएगा डायरेक्टली, 1 × 1 प्लस मल्टीप्लेटफॉर्म में √7 टू द पावर 2 की जगह 4 हो जाएगा, 2 अगेन ऐड हो जा रहा है। फिर क्या आना था, 1 के बाद -1 आना था, मतलब इसके बाद एक ही टर्म था 1 × 0 और वो क्रॉस हो रहा है, तो इस पर ही एंड हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर 5 है तो हमारे पास टोटल 6 टर्म्स आना है, क्योंकि यहाँ पर पावर 5 हो रहा है, ऑड है तो हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन होगा एक ऐड करके, तो 6 टर्म्स होंगे। 6 टर्म में 3 प्लस फॉर्म में होंगे, 3 माइनस फॉर्म में होंगे, तो जो प्लस फॉर्म में थे वही यहाँ पर हमने लिखा था। अब इसका सॉल्यूशन लेते हैं, तो हमें क्या आएगा, 5C2 का वैल्यू क्या होगा, 5 × 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 हमें 1 ही देगा, √7 का स्क्वायर 7 देगा। 5C4 का वैल्यू क्या होगा, 5 × 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 और √7 का 2 4 मतलब 7² दैट इज 49, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 49। अब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 से इसको क्रॉस कर दिया तो 5 × 4 दैट इज 20, 2 मतलब 2 क्रॉस करके 10 आएगा, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 70 है मतलब 71, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 से इसको क्रॉस कर रहे हैं तो 5 मिलेगा, तो यहाँ पर 71 आया और 49 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 5 5 9 45 4 2 4, तो 2 × 71 दैट इज 6 7 4 1 सॉल्यूशन आएगा 32 6 32, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या आएगा, इवोल्यूशन 6 32, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।